भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। 11:40 के करीब आसपास, 35 मिनट के आसपास ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो करीब 1.5 मिनट तक एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए हैं और जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। और पिछले कई महीनों से उत्तर भारत में ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के नजरिए से कह सकते हैं सुकेश की यहाँ पे हमें हमेशा देखा है कि या तो अफगानिस्तान केंद्र का बिंदु रहता है या फिर नेपाल केंद्र का बिंदु रहता है। तो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि झटके पिछले कई 6 महीने का सिलसिला हम देख लें सुकेश, तो लगातार एक के बाद एक झटके महसूस किए जा रहे हैं और लोग इनको कहीं लाइटली ले लें, लेकिन क्योंकि आज जो झटके देखे हैं सुकेश वो बहुत जोरदार झटका था। कुछ मिनट तक तो लोग एकाएक समझे कि ये क्या हो रहा है। या बिल्कुल, मैंने अपने दफ्तर जब फोन करने की कोशिश की, एक न्यूज़मैन होने की वजह से आप सबसे पहला काम करते हो कि खबर चल रही है कि नहीं चल रही है, या पुष्टि करें कि कहाँ पे है, थोड़ी अपनी जानकारी भी बढ़ाएं और खबर कैसे ऑन एयर हो, इसके लिए जब आप फोन करते हो। तो आज पहली बार ऐसा लगा, और मुझे बाद में पता लगा कि बहुत सारे हम में से लोग जो कि न्यूज रूम में ही रह जाते हैं, ये जानते हुए कि भूकंप का झटका आ रहा है, लेकिन कई बार आप दर्शकों तक खबर पहुंचाने की जद्दोजहद में होते हो, इसलिए बहुत सारे लोग ऊपर रह जाते हैं। आज अपने न्यूज रूम से भी बहुत सारे लोग, इतनी जोर का झटका था कि उनमें से अधिकतर लोग नीचे थे और आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई, बहुत कम लोग ऊपर बच गए थे, बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं वो लोग बचे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक डर लोगों में पैदा हुआ, क्योंकि काफी समय तक था, ये तो मैंने खुद फील किया, इसलिए मैं कह सकता हूँ। शुरुआती जब झटका लगता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपना पाँव हिला दिया हो, किसी ने करवट ले ली हो, इसकी वजह से लगा है कि भूकंप आ गया, लेकिन काफी समय तक जब ये झटका महसूस किया और ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, तो आपको वो बाहर निकलने को मजबूर करता है, आपको डरने को मजबूर करता है, और उस डर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो उतर कर नीचे आ गए हैं। जिस आशंका की आप बात कर रहे हैं, जिस अप्रिहेंशन की आप बात कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे झटके आ रहे हैं, इससे ज्यादा जानकारी तो मौसम जो वैज्ञानिक है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, माफ कीजिएगा, वो दे सकते हैं कि क्या चेंजेस धरती के अंदर आ रहे हैं कि बार बार ये भूकंप का झटका महसूस किया जा रहा है, और क्या किसी बड़े खतरे की आशंका है, क्या इन भूकंपों को देखते हुए क्या इस निष्कर्ष पे निकला जा सकता है, ये तो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, हाल के दिनों में, हाल के महीनों में लगातार ये कॉन्स्टेंट समय के बाद लगातार झटके आ रहे हैं। ये झटके पहले रिक्टर स्केल पे 4 मापे जा रहे थे, 4.4 कभी 5 के आसपास, अभी जो करेक्ट फिगर है वो 6.4 है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। 6.4 रिक्टर स्केल पे भूकंप की अच्छी खासी तीव्रता है। 7 के ऊपर जाने पे आशंका इस बात की होती है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर 7 के ऊपर जाए, और हम जिस जोन में रहते हैं उसमें 7 के आसपास अगर भूकंप आता है तो वो बहुत खतरे की घंटी हो सकता है। ये बात सही है कि भूकंप की तीव्रता भी बढ़ी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। अब इस बात पे जो जानकार है वो बिल्कुल 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 भी भूकंप के झटकों को लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से इसी तरह के झटके आ रहे हैं और लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, आदत सी हो गई है।